आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। पुलिस के सामने हुई चाकूबाजी। चाकू मारा गया है उसको हार्ट के पास, हार्ट पे चाकू लगने की वजह से हार्ट पंचर हुआ है। और हार्ट ऐसा एक और वार किया गया है, वो ऐसा सिंगल वार किया गया है कि एक ही वार में बंदा खत्म। हंसता खेलता परिवार उजड़ा। तो पुलिस की तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। जो वो शॉप है पान शॉप, उसमें अवैध शराब बिकती है, रात को सारे अवैध काम होते हैं उसके अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट, मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। आज हम आपको लेकर आए हैं नारायणा विहार में, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर 18 तारीख को यानी होली की रात को यहां पर 5 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है उसका नाम शिवा है, और आज हम आपको लेकर आए हैं शिवा के ही घर में। यहाँ पर उसके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या था पूरा मामला। इस वक्त हमारे साथ शिवा के भाई मौजूद हैं, जो उस वक्त पर जो घटना स्थल है वहाँ पर मौजूद थे। सर, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि हम गए थे पान खाने, हम तीनों भाई गए थे, मैं, ऋषभ, वरुण गए वहाँ पे। हल्की सी मेरी कार, मैं ड्राइव कर रहा था, कार मेरी हल्की सी बाइक से टच हुई तो वो लड़का वहाँ से गाली गलौज करने लगा, बदतमीजी करने लग गया। ठीक है, मैं गाड़ी से जब भी नहीं उतरा, करने लग गया। जब याद हो गई तो मैंने भी उसको करी। फिर जब मैं उतरने लग गया, एक लड़का और आया वहाँ से, वो भी गाली, वो ब्लैक शर्ट में था, गाली गलौज करने लग गया। फिर मैं जब उतरने की कोशिश की तो ये आगे कह रहे भाई रहन दो, अभी रहन दो, ये मुझे पीछे खींच के ले गए। उस वहाँ से फिर चल रही थी, इतने में एक पान वाला बुड्ढा है वो निकल के आता है बेसबॉल का डंडा लेके दिखाता हुआ। ठीक है, वो आया, फिर एक दो और आए उसके साथ, फिर ये गया वहाँ पे समझाने की, भाई कोई नहीं, हो गया आप, ये समझाने गया, इसको धक्का मारा उन्होंने। इतने में आता हमारा भाई शिवा आ रहा था वहाँ पे, आया, उसको पता चला, जैसे भी आया वहाँ पे, उसने समझाने की बहुत कोशिश की, उसके साथ गाली की हाथापाई शुरू कर दी। जब उसके साथ हाथापाई हुई तो हम भी भाग के चले। हमने भी उस टाइम भी पूरी उसमें दिखाई दे रहा कि हम थोड़ा कोशिश में देखिए ये झगड़ा रुक जाए, बीच बचाव कर रहे थे आप कि रुक जाए। अब जब ज़्यादा बात बढ़ गई हम भी आ गए। इतने में वहाँ दो पुलिस वाले भी आ गए मौके पे, वो भी हमें पकड़ रहे हैं, छुटा रहे हैं। इतने में ही बुड्ढा चाकू लेके आता है अपनी दुकान से, वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और शिवा के अटैक कर। सर, जब ये अटैक हुआ तब पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद? जी बिल्कुल मौजूद थे। तो सर, एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, एक अपने फ़ोन पे लगा हुआ था उस टाइम पे। तो सर, मौका है वारदात पर गिरफ्तारी नहीं हुई उस टाइम पे? तो उसके बावजूद पब्लिक में से एक भाई आए हमारे, उन्होंने रोकने की बहुत, वो करीब दो लड़के आए थे, उन्होंने ले जाने नहीं दिया, उनके साथ भी मारपीट किया है। तो इनसे आपकी कोई पुरानी आपसी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है कोई भी, हमें तो पता भी नहीं था उस टाइम पे कि वो बाइक वाला भी उन्हीं का ही रिश्तेदार है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था ऐसा। क्या आप इनको जानते थे पहले? नहीं, पहले से कोई। क्या अभी आपको इनके नाम पता है? कुछ हो गया पता है हमें, मेन धर्मेंद्र राय जो गुड्डा है। सर, तो पुलिस वालों की तरफ से कितनी मदद मिल रही है आपको? पुलिस वालों की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है हमें, हमें पुलिस वालों हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारे उस टाइम पे भाई ने जो उस टाइम पे रिसेंट में उनसे जल्दी जल्दी भाई से, भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भाई की, बहुत ज़्यादा भाई जल्दी जल्दी हमें वो पीछे छुटाने वाली होती कि हमसे तोड़ मोड़ के जो भी हुआ करा के जल्दी जल्दी से करा के कि हाँ हम तुम्हें मिलेगा। डीसीपी साहब ने खुद उस टाइम का कि हम हैं आपके साथ, आपको मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, पर हमें अब उस टाइम पे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। अब जाके दो तीन बार जब हम स्टेबल हुए हैं, जब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पागल बनाया गया है। सर, आप पर भी हमला हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, हमला तो अब उस टाइम सब पे हुआ, हम पे जितने लोग बीच बचाव में आ रहे थे सब पे हमला हो गए। पुलिस वाला वहाँ खड़ा हुआ है, पुलिस वाला मुझे पकड़ रहा था। अच्छा, यानी पुलिस वाले उनको पकड़ने की बजाय आपको पकड़ रहे थे? पकड़ते उस टाइम पे तो ये नहीं होता सर। सर, आप बताएंगे सर क्या था सर पूरा सब कुछ? 18 तारीख की रात की घटना है ये, होली के दिन की, होली के रात की करीबन 9:30 की। जो ब्रदर थे वो पान खाने गए थे पान शॉप पे, जो पी वी नारायणा के पास में शॉप है। तो वहाँ पे एक मतलब गाड़ी में थे, जो शॉपकीपर की बाइक थी उसमें हल्की सी गाड़ी टच हो गई थी पार्क करते हुए। इसी बात पे विवाद शुरू हुआ था, और विवाद ऐसा शुरू हुआ कि उनमें उस विवाद ने मेरे ब्रदर की जान ले ली।
चाकू मारा गया उसको हर्ट के पास, हर्ट पे चाकू लगने की वजह से हर्ट पंचर हुआ है, और हर्ट ऐसा पंच एक और वार किया गया है, वो ऐसा सिंगल वार किया गया है कि एक ही वार में बंदा ख़त्म। एक जैसे प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल जैसे वार करता है, एक ऐसा वार किया गया है प्रॉपर। नहीं तो अनजान के, अनजान को इतना थोड़ी पता होता है कि मैं हर्ट पे चाकू मारूंगा तो हर्ट पंचर हो जाएगा। चाकू अगर किसी के पास होता है तो कहीं भी लग सकता है। जब ये हादसा हो गया, चाकू उसको लग गया, उसके बाद जब ये हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तब भी उनको रोका गया, उनके थ्रू गाड़ी के दरवाजे खोल दिए गए, सामने खड़े हो गए, ईंट लेके खड़े हुए कि ये जब तक मरेगा नहीं जब तक इसको जाने नहीं देंगे। गाड़ी खुले दरवाजे में लेके भागनी पड़ी वहाँ से, जैसे तैसे करके। पुलिस वाले आपको हम क्लिपिंग देंगे, जो वहाँ पे राहगीर थे उन्होंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मौके पर पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस वाले अगर मदद कर देते उस टाइम, अपना जो काम होता है पुलिस का, अगर वो काम कर देती पुलिस, तो मेरा ब्रदर शायद जिंदा होता। देखा आपने किस तरह सरेआम एक युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, पर पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती है। परिजनों ने बताया कि पुलिस उस वक्त उनके साथ मतलब पास में ही खड़ी थी, और पुलिस जिनके पास जो हथियार थे यानी जो हमला कर रहे थे उनको पकड़ने की बजाय, जो जिन पर हमला हो रहा था पुलिस उनको पकड़ रही थी। और इन्होंने बताया कि 100-200 मीटर दूर ही थाना था, पुलिस थाना था, लेकिन बावजूद इसके उनको कोई भी मदद नहीं मिली। इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।